हेलो फ्रेंड, जैसे कि देख पा रहे हैं आज मेरे पास आई है टीवीएस अपाची आरटी और 164V वाला वेरिएंट, और आज इसके हम क्लच साइड को कंप्लीट ओपन करेंगे और आपको हम दिखाएंगे इसमें कौन सा क्लच प्लेट असेंबल होगा। और दो चीज़ों को मैंने खास कवर किया है इसमें, जो इसका एक ऊपर यहाँ पे कूलेंट लगा होता है, ये जो ऑयल का कूलेंट होता है इसको क्या आप नॉर्मल वाले वर्जन में इंस्टॉल कर सकते हैं, पहला। और दूसरा, इसमें जो 200 का स्लीपर क्लच आता है या का इसमें इंस्टॉल हो पाएगा या नहीं, इन सारे चीज़ों को कवर करेंगे। और इसी तरह से इसके जो ये भी तो हम क्लच साइड ओपन करेंगे और कंप्लीट इसके फुल इंजन को हम ओपन करके इसको असेंबल करने वाले हैं। तो इसी तरह से सपोर्ट करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी इसका हम फुल इंजन का फिटिंग का वीडियो अपलोड करें आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसका क्लच साइड का कैसे मैकेनिज्म है, इसका ऑयल जो कैसे कूल होता है, क्योंकि ये जो सिर्फ 4V वाले वेरियंट में आपको मिलेगा, यहाँ पर जो इसका कूलर वाला सिस्टम लगा हुआ है, इससे का जो अभी मॉडल आ रहा है BS6 में, वो सिर्फ 180 वाले वर्जन में यहाँ पर कूलेंट दिया गया है। बाकी नॉर्मल वाले वर्जन में क्या है कि नॉर्मल सिर्फ हवा के जरिए से एयर कूलेट दिया गया है। तो इसको हम कंप्लीट ओपन करते हैं, आपको हम दिखाते हैं इसके अंदर कैसा मैकेनिज्म है, क्या इसका क्लच प्लेट नॉर्मल वाले 4V में लग सकता है, नॉर्मल वाला जो गाड़ी है 160 उसका 4V में क्लच प्लेट लग सकता है, 200 और 160 का क्लच सेम होता है या अलग अलग होता है, इन सारे चीज़ों को कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में एंड तक बने रहिए, एक एक प्रोसेस के बारे में बता देंगे। चलिए फट से वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं इसके अंदर कैसे क्लच का मैकेनिज्म वर्क करता है। तो सबसे पहले क्लच कवर को ओपन करने के लिए यहाँ पे एक 13mm का बोल्ट है जो किक का स्टार्टर पे लगा हुआ है, तो इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे, ये हमारा किकर बाहर निकल जाएगा। उसके बाद सारे 8mm के बोल्ट निकालेंगे, और एक इस पर जो है क्लच कवर खोलना बहुत टफ है क्योंकि इसके अंदर भी बोल्ट वगैरह होता है, तो कहाँ पे LK का बोल्ट लगा हुआ है, कहाँ पे नॉर्मल बोल्ट है, सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, कुछ सीखने लायक मिल जाएगा। इसके सारे कवर को ओपन करेंगे और ये भी क्लच सेट बता रहे हैं, इसकी फुल इंजन की आपको असेंबलिंग बताएंगे, कैसे गियर को असेंबल करना है और इसमें 4 वाल्व का एडजस्टमेंट कैसे करना है, फुल इंजन को क्रैंक को कैसे असेंबल करना है। तो चलिए फट से आपको सारे नट बोल्ट खोल के आपको दिखाते हैं। तो इसके सारे 8mm के बोल्ट को हम रिमूव कर लेते हैं। सबसे पहले इसके फिल्टर वाले साइड को खोल के आपको दिखाते हैं। जब भी इसके आप बोल्ट को रिमूव कीजिएगा तो इसके फिल्टर वाले साइड को ओपन करने के बाद आपको पता चलेगा इसके अंदर एक और LK टाइप का बोल्ट लगा हुआ है, तो उसको भी आप रिमूव कर लें ताकि आपको क्लच कवर ओपन करने में आसानी हो। प्लस एक यहाँ पे 10 नंबर का नट लगा हुआ है जो ऑयल कूलर ऊपर जाता है ऑयल, और वहाँ से मतलब कूल होकर ठंडा होकर नीचे आता है, तो उस वाले नट को भी ओपन करेंगे और आपको हम बताएंगे क्या नॉर्मल वाले गाड़ी में आप इसके जो कूलर को डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, तो उसको हम लास्ट में आपको हम बता देंगे कैसे उसका कनेक्शन करना है, और उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो देखिए इसके जो क्लच वाले कवर को ओपन कर लिए, और यही वीडियो है जो सिर्फ आपको अपडेट दे रहे हैं। इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा उसमें आपको हम बताएंगे कि कैसे इसके फुल इंजन को ओपन कर रहे हैं, क्योंकि ओपन करने के बाद फिटिंग कैसे करना है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आगे प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों 8mm के जितने बोल्ट थे सारे बोल्ट को ओपन कर दिए, और ये जो फिल्टर वाला हमारा एरिया है इसको जब हम रिमूव करेंगे, इसको जब यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर एक LK टाइप का बोल्ट मिलेगा जो आपको अंदर दिख पा रहा होगा शायद। देखिए इसके ऑयल फिल्टर की कंडीशन कैसी हो चुकी है, तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा नीचे ले जाकर दिखाते हैं। यहाँ पे एक यहाँ पे 5mm का LK बोल्ट है, तो इसको रिमूव करेंगे जब ही हमारा क्लच कवर बाहर आएगा। चलिए इसको ओपन करते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं इसको ओपन करने के बाद कैसा इसका मैकेनिज्म है। तो दोस्तों इस तरह से 5 के LK के बोल्ट से ये जो रिमूव हो जाएगा तो ये खुल गया है। तो इस तरफ से कुछ बोल्ट रहता है यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस पर एक वॉशर है, इसका ध्यान दें। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर पर जो यहाँ पर एक ऑयल जो इधर से ऊपर जाता है इसको हम 10 नंबर की मदद से इसको रिमूव कर लेंगे, फिर हमारा क्लच कवर जो आसानी से बाहर आ जाएगा। ये देखिए खुल गया, ये खुलेगा फिर हमारा जो क्लच कवर ये बाहर आ जाएगा। चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो सारे बोल्ट को कर दिए हैं ओपन, और यहाँ पे जैसे इसको हम ऊपर पुश करेंगे तो एक इस जगह पे ओरिंग दिखेगा यहाँ पे आपको, इस जगह पे, तो इस ओरिंग को आपको ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इसके ये थोड़ा भी कट जाएगा या फिर ये यहाँ से निकल जाएगा तो क्या होगा, इस जगह से ऑयल का लीकेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए सारे बोल्ट को ओपन करने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा क्लच कवर को हम इस तरह से पुश करेंगे तो हमारा ये बाहर निकल जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से बाहर निकल रहा है, और इसके फुल इंजन को हम धीरे धीरे क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट ओपन करते जाएंगे, और असेंबलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट आपको हम दिखाएंगे कैसे असेंबल करना है, और टाइमिंग चेन इसकी उल्टी चूड़ी कंप्लीट खुलती है उस सब के बारे में वीडियो
डिटेल में बात करेंगे। तो इसका मैकेनिज्म आप देख लें किस तरह से ये सारा वर्क करता है। तो दोस्तों देख पा रहे कुछ इस तरह से मैकेनिज्म है, और इसका क्लच कवर जैसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे इसका देख पा रहे हैं, ये पहले वाले वर्जन में इस तरह से कूलिंग का सिस्टम नहीं आता था। इधर से इसका ऑयल कूल होने के लिए ऊपर जाता रेडिएटर में, और ये ऑयल इधर से फिल्टर होके आता है। यहाँ पे इसका एक पेपर फिल्टर लगा होता है यहाँ पे इस जगह पे। तो इसको ज़्यादा डिटेल में हम इसके फिटिंग के दौरान बात करेंगे, और सब सारे वीडियो में इसके बारे में बताते हैं। जैसे इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक पुशर की गोली होगी, देखिए इस तरह से। ऑल TVS बाइक में इस चीज़ों को आप ज़्यादा कवर करें ताकि आप लोग को क्लच में स्मूथनेस फेस हो, यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्यूल हो स्मूथनेस। तो ये पुशर की गोली को आप ज़्यादा ध्यान रखें, इसको सेफ रखें। तो अब हम बात करेंगे कौन सा हमारा एंटी क्लॉक वाइज खुलेगा, कौन सा क्लॉक वाइज खुलेगा। तो इसको ओपन करने से पहले ये 10mm के बोल्ट को ओपन करते हैं, और इसी में हम अगर चाहें तो फिटिंग करने के दौरान स्लीपर क्लच का इंस्टॉलेशन आपको दिखाएंगे, कैसे आप नॉर्मल बाइकों में स्लीपर क्लच का इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें सिर्फ हमारा दो चीज़ चेंजिंग होगा, ये जो हमारा बैरिंग है यहाँ से निकल जाएगा, और ये जो चार नट है यहाँ पर सिर्फ 3 आएगा। और यहाँ पर हमारा जो जुपिटर ZX है या जुपिटर कोई भी सा मॉडल उठा लीजिए, जुपिटर का बैरिंग यहाँ पर डाल के स्लीपर क्लच इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉलेशन के दौरान आपको हम ज़्यादा डिटेल देंगे। तो चलिए ये चारों बोल्ट को ओपन करते हैं, उसके बाद इसके सारे गियर को भी ओपन करेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ क्लच हेड को ओपन करेंगे, गियर को ओपन करेंगे, गियर सेलेक्टर को ओपन करेंगे। और बहुत से भाई जो कमेंट कर रहे थे कौन सी ऐसी बाइक है जिसका किक स्प्रिंग चेंज करने के लिए पूरा इंजन खोलना पड़ता है, तो ऐसा बहुत सारा बाइक है कि उसका लिस्ट हम कंप्लीट तैयार करेंगे और उसमें हम बताएंगे। जैसे देख पा रहे हैं इन सब जो स्पोर्ट बाइक को आप देख लें, इसके जो किक स्प्रिंग को चेंज करने के लिए फुल इंजन को ओपन करना ही पड़ेगा। तो चलिए ये गैस्केट और पैकिंग वगैरह को हम यहाँ से रिमूव करते हैं, और अंदर का मैकेनिज्म आप देखें। और ये इसका जो यहाँ पे नट दिख रहा है ये इसका बैलेंसर का नट है, क्योंकि 4B वाला वर्जन है तो बैलेंसर आपको मिलेगा ही, ताकि इसमें वाइब्रेशन एकदम फेस ना हो। यहाँ पे है इसका बैलेंसर का नट। तो सारे चीज़ों को हम ओपन करेंगे, तो एक एक चीज़ से हम कवर करते हुए जाते हैं। इसके कलर सेट को पहले ओपन करेंगे, और इसको ओपन करने के बाद ही आपको हम बता सकते हैं कि इसमें जो नॉर्मल क्लच प्लेट अपाची 160 का 164B में डाल सकते हैं या नहीं। चलिए ये बोल्ट को ओपन करते हैं, उसके बाद आगे का मैकेनिज्म आपको हम दिखाते चलते हैं। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फुल इंजन को हम कवर करेंगे, ताकि आप लोग को सीखने लायक कुछ चीज़ें मिल सके। तो इस बोल्ट को अपोजिट बाय अपोजिट खोलना है, ताकि हमारा जो ये प्लेट है ऊपर का ये टूटे ना। एक ऊपर से खोलेंगे, एक इधर से खोलेंगे, एक इधर से, एक इधर से। चलिए इसको ओपन करते हैं, और इसको ओपन करने के दौरान ये हमारा बैलेंसर भी घूमेगा, तो यहाँ से इसको रिमूव करके रखेंगे। तो दोस्तों इसके सारे बोल्ट को कर चुके हैं ओपन, इसके स्प्रिंग को भी निकाल लेंगे, और ये जो हमारा नट है ये जैसे सारा नट खुलता वैसे ही खुलेगा, यानी ये हमारा सीधा खुलेगा, ये हमारा उल्टा खुलेगा। अपाची में सारा सिस्टम यही होता है, TVS की जितनी भी बाइकें हैं यहाँ पे क्रैंक का नट उल्टा खुलता है, और ये जो नट है ये सीधा खुलता है। चलिए इसको ओपन करेंगे, और उसके बाद बैलेंसर को निकालने के लिए हमें फुल इंजन ओपन करना ही पड़ेगा। सबसे पहले क्लच को ओपन करके आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों एक जो नट है हमारा इस तरह से सीधा खुलेगा, एक उल्टा, कभी हीट ना करें, इस तरह से इसका स्पेशल टूल आता है, और जो गाड़ी का टूल हो उसी में यूज करें, दूसरे बाइकों में इसको यूज ना करें। तो देखिए ये हमारा नट इसी तरह से सीधा खुल गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा क्लच का असेंबली है इसको हम कम्प्लीट ले लेंगे, क्योंकि इसके अंदर से हमें जो क्लच इसको अभी रिप्लेसमेंट नहीं करना है, इसको हम बाहर ले लेते हैं। सारा कंपनी फिटेड है, किलोमीटर गाड़ी का दिखाएंगे तो आप चौंक जाइएगा, गाड़ी हमारी एकदम कम से कम चली हुई है। एक बार आपको हम मीटर दिखाएंगे, और इतनी जल्दी इसे ओपन करने का क्या रीज़न है उसका भी हम बताएंगे उसके बारे में भी, क्योंकि इसके इतनी जल्दी इसको हम ओपन क्यों कर रहे हैं। तो ये हमारा क्लच प्लेट कम्प्लीट निकल गया, अब हम हाउजिंग निकालेंगे। ये भी टाइट पड़ गया है, कंपनी फिटेड है, थोड़ा सा इसे हम निकाल लेते हैं फिर आगे प्रोसेस बताते हैं। टाइट है, कहीं से नट बोल्ट टाइट नहीं होता है, ये आसानी से निकल जाएगा, इसे हम निकाल लेते हैं। आप सभी को बता दें मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा टफ है, नॉर्मल वाले वर्जन से इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग है। जैसे देख पा रहे इसके क्लच को अब बाहर निकालना चाहेंगे तो ये जल्दी से निकलेगा नहीं, और जल्दी से अंदर भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, इसके अंदर देखिए मैकेनिज्म कितना ज़्यादा टफ है। ये देखिए यहाँ पर एक इसका एक बुश निकालेंगे, और इसके अंदर साइड आपको वॉशर वगैरह में बहुत सारे चेंजेस आपको दिख पाएगा। ये देखिए यहाँ पर बुश निकलेगा, उसके बाद देखिए ये जो मैकेनिज्म है ये आपको नॉर्मल वाले वर्जन में नहीं मिलेगा, तो इसको ताकत लगा के आपको बाहर निकालना है। वैसे तो इसको आपको ओपन करने की एकदम आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड फाइनली इस वाले बुश को हम यहाँ से इस तरह से प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि हमारा ये बाहर निकल जाएगा। वैसे तो ज़्यादातर इसे ओपन नहीं करना चाहिए, बट डिटेल में सीखने के लिए ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ से ओपन हो गया,
उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर एक यहाँ पे एक निडिल सा बना होता है, इसी से हमारा क्लच टाइट रहता है। सॉरी, ये देखिए निकल गया यहाँ से, जो इस जगह पे असेंबल होता है। तो ये मैकेनिज्म आपको सीखने लायक मिल गया। और ये जो टाइट होके असेंबल होता है, इस जगह पे असेंबल होता है, यहाँ पे एक टीथ सा बना हुआ जिस पे जाके ये अटैच हो जाता है, जिससे हमारा क्लच कवर इधर उधर हिलता नहीं। तो आप क्लच का अगर स्लीपर क्लच इंस्टॉल करते हैं तो उस सिचुएशन में आपको क्लच हाउजिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्लच हाउजिंग हम निकाल लें, इसके अंदर का इसी तरह से मैकेनिज्म होता है। फिटिंग आपको जिस उसी में करना हो तो उस समय सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले एरिया को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद ये जो हमारा कट वॉशर है इसको डालेंगे, उसके बाद हम हाउजिंग असेंबल करेंगे। वो फिटिंग के दौरान आपको हम डिटेल में बताएंगे। उससे पहले यहाँ पे एक जो ड्रम स्टॉपर पट्टी है इसको ओपन करेंगे। 10 नंबर बोल्ट की मदद से ये टाइट होता है, ड्रम स्टॉपर पट्टी, जिसे गियर डॉग भी बोला जाता है। तो ये देखिए निकल गया। और यहाँ पे एक वॉशर भी होता है, ये देखिए, और एक स्प्रिंग। तो स्प्रिंग को भी हम बाहर ले लेंगे। ये देखिए हमारा स्प्रिंग निकल गया, और इसके वॉशर को भी हम एकदम सेफ रखेंगे ताकि कहीं से मिस ना हो। फिटिंग के दौरान इजीली हम इसको इंस्टॉल करेंगे। और उसके बाद जो हमारा लास्ट रहेगा इधर से, वो इसका ऑयल की बांसुरी निकालेंगे, जिससे हमारा ऑयल जाता है मैग्नेट साइड। तो उस वाले बांसुरी को कैसे निकालना उसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे। उसका नीचे आपको दिखा दें, नीचे एक स्क्रू टाइट होता है यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे एक स्क्रू है, इसको रिमूव करेंगे तो हमारी ऑयल की जो बांसुरी है वो ओपन हो जाएगा। ये 4V में भी होता है और 2V में भी होता है। तो हमारा गियर का पंज जो है उसको थोड़ा सा हीट करेंगे, वहाँ पे एक लॉक टाइप का लगा होता है। तो ऑयल की बांसुरी को रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक स्क्रू टाइप का स्टॉपर टाइट होता है, इसको यहाँ से रिमूव करेंगे तो हमारा जो है बांसुरी निकल जाएगा। ये एक इस तरह से लॉक टाइप का होता है, ये जितनी भी अपाची का मॉडल है सब में होता है। ये देखिए इस तरह से बांसुरी टाइप का लगा होता है, और ये इस जगह पे यहाँ पे अटैच करके रखता है इस जगह पे, कुछ इस टाइप से। और फुल इंजन की असेंबलिंग का वीडियो चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा क्लच हाउजिंग का जो इसमें जो डिफरेंट दिया गया उसके बारे में बता देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम कम्प्लीट इसके ओपन और फिटिंग का वीडियो बनाएंगे। तो इसको हम दिखा देते हैं कैसे ये लगता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये कि इस तरह से लॉक टाइप का रहेगा, रिंग टाइप का, ये यहाँ से खींचना पड़ता है इसे, और ये यहाँ पे असेंबल हो जाएगा। थोड़ा सा टफ रहेगा बट आप कर लीजिएगा। ये देखिए ये लग गया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर जो टाइमिंग होती है उसको इसके बीच में ले लेंगे। ये देखिए यहाँ ले लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक वॉशर होता है जो इसके कट टाइप को हम बाहर रखेंगे और विदाउट कट रहेगा वो ओपन करेंगे। और आपको बता दें कि अगर आप स्लीपर क्लच इंस्टॉल करेंगे तो आपको हाउजिंग खोलने की आवश्यकता नहीं है, इसको खोलिएगा तो आप फंस जाइएगा। देखिए ये हमारा हो गया। उसके बाद इधर का एक बुश यहाँ पर असेंबल होगा, और इसी तरह से आप इसकी टाइमिंग ले कर, ये देखिए परफेक्ट हमारा फिट हो गया। अब इसकी टाइमिंग लेकर यहाँ पर ले जाके थोड़ा सा हीट करेंगे तो ये हमारा अंदर आसानी से बैठ जाएगा, निकलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि पर डे इसी तरह से टेक्निकल वीडियो लाते रहें। और चलिए इसकी फुल इंजन की वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे, तो इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।